वेलकम बैक माय फूडियो ब्लॉग चैनल। तो आज मैं बताऊंगी दही बड़ा कैसे बनाएं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आप। मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दे दी हूँ, आप देख लीजिएगा। मैंने उड़द दाल को 8 से 10 घंटा तक भिगो दिया है। हमने 250 ग्राम पर उड़द दाल लिया, 200 ग्राम दही, रेड चिली 10 से 12 पीस, जीरा 10 ग्राम, ब्लैक सॉल्ट, ब्लैक पेपर 10 ग्राम, वाइट सॉल्ट, अदरक 2 पीस। दोस्तों, मैं सबसे पहले दही बड़ा का मसाला तैयार कर रही हूँ। तो सबसे पहले हमें तवा बैठाना होगा, उस पर जीरा को रेड ब्राउन होने तक भूनना होगा, जब तक वो अच्छी तरह रेड ब्राउन ना हो जाए। हमारा जीरा रेड ब्राउन हो चुका है, तब इसे प्लेट में निकाल लें। उसी तरह से हमें लाल मिर्च भी रेड ब्राउन भूननी होगी, इसे ज़्यादा रेड ब्राउन नहीं भूननी होगी। भूनी हुई जीरा और लाल मिर्च को ग्राइंड में डालकर अच्छी तरह ग्राइंड कर दें। जीरा और मिर्ची को हमें एकदम महीन पीसना है। हमने उड़द दाल को ग्राइंड कर लिया है। आधी छोटी चम्मच बेकिंग सोडा, एक चुटकी भर हींग, अदरक का पेस्ट, मैंने जो मसाला ग्राइंड किया था, और ये गोलकी पाउडर। ग्राइंड किया हुआ उड़द दाल में हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, बेकिंग सोडा एक छोटी चम्मच, गोलकी पाउडर एक चुटकी हींग और अदरक का पेस्ट, और इसे अच्छी तरह मिला लेंगे। कढ़ाई को हीट होने देंगे, उसके बाद उसमें तेल डालेंगे, फिर उसमें उड़द की दाल से बनाए हुए दही बड़ा इसमें डाल देंगे, और इसे हमें रेड ब्राउन होने तक फ्राई करना है। मेरा एक साइड हो चुका है, अब इसे मैं निकाल लूँगी। मेरा दोनों तरफ रेड ब्राउन अच्छी तरह हो चुका है, आप देख रहे हैं। इसी तरह से हमें रेड ब्राउन निकालना है, क्योंकि ये पानी में जाने के बाद सफ़ेद हो जाते हैं। अब मैं दही को मथ लूँगी अच्छी तरह से गलघोटने के सहारे से, आप भी इसी तरह से मत लें और अपने अनुसार से पानी ऐड करें। स्वाद अनुसार आप इसमें नमक डालें। फिर इसमें बनाए हुए जीरा और लाल मिर्च पाउडर डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब अपने हाथ के सहारे से बड़े का पानी निकाल कर दही में डाल दें। उसी तरह से अब सारे बड़े को इसमें डाल दें। मैं सर्व कर रही हूँ। अब इसमें स्वाद अनुसार आप इसमें नमक डाल दें, फिर इसके बाद जीरा और लाल मिर्च पाउडर छिड़क लें। आप चाहें तो इसमें सॉस भी डाल सकते हैं या चटनी भी, मीठी चटनी। अब इसे धनिया पत्ता से गार्निश करें और सर्व करें। थैंक्स फॉर माय वाचिंग वीडियो गाइस। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मेरा वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें।